अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू चैनल कुक विद फैम। मटन मसाला के रेसिपीज तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार निज़ामी मटन मसाला विथ रिच ग्रेवी, यानी बहुत ही गाढ़ी और मज़ेदार ग्रेवी के साथ हम इसे बनाने वाले हैं। इसे ट्राई करके तो देखिए, आप लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और आपके घर वालों की फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। और मैं ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार रेसिपीज लेके आती रहूँगी, इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल कुक विद फैम सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट करें, तभी आपको मेरे न्यू अपलोड्स के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। निज़ामी मटन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गोश्त। इसमें डालिए 100 ग्राम दही, 1 टीस्पून भर के हल्दी, 1 टीस्पून नमक। आप गोश्त चाहें तो विद बोन यानी हड्डी वाला लें या बिना हड्डी के, आपकी मर्जी, मैं बिना हड्डी के ले रही हूँ। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, मिर्ची अगर आप कम खाते हैं तो 1 टेबलस्पून डालिए, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, आधा टी स्पून जीरा पाउडर, थोड़े से नींबू का रस आधे नींबू का, मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते, मुट्ठी भर धनिया के पत्ते, 2 या 1 हरी मिर्च काट के डालिए। सभी इंग्रेडिएंट्स अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा घी भी डाल के मिक्स कर लेते हैं, 1 या 2 टीस्पून डालिए। चलिए इसे भी अब अच्छे से मिक्स कर लें। गोश्त को हम साइड में रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। इसके ऊपर लिड बंद कर दें और इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें। अगर रेफ्रिजरेटर ना हो तो आप बाहर भी रख सकते हैं। अब हमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स पीसना है तो एक मिक्सर का जार ले लें। 10 लहसुन के कलियां डाल दें, 2 इंच अदरक, 6 बादाम, 6 काजू, थोड़ा सा खोपरा यानी सूखा नारियल, ये 12 से 13 ग्राम होगा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही डालिए। फ्राई की हुई प्याज एक बड़े साइज को अच्छे से फ्राई करके डाल दें। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को पीस लें, थोड़ा सा पानी डाल के भी आप पीस सकते हैं। पिसा हुआ पेस्ट अब रेडी है। चलिए कुकिंग के प्रोसेस की ओर अब बढ़ते हैं। कुकिंग के लिए हमें चाहिए एक पैन, इसे गरम कर लें। नेक्स्ट इसमें डालिए तिल, 4 से 5 टेबलस्पून भर के डालिए, हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से गरम कर लें। तेल गरम होने के बाद इसमें डालिए 4 लौंग, 2 इलायची, 3 दालचीनी के पीसेस, छोटे हैं इसलिए 3, बड़े हैं तो 1 या 2। तेल गरम हो चुका है, स्पाइसेस डाल दें, इसे हल्का सा सॉटे कर लें। 15 से 20 सेकेंड के लिए इस तरह से फ्राई करिए ताकि इसकी जो खुशबू है तेल में आ जाए। इसके बाद हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देते हैं। फ्लेम को हाई पे ही रख के हमें इसे अब बहुत अच्छे से भूनना है गोश्त को तेल के साथ। इसमें हमने जो मसाले डाले हैं उनकी कच्ची भी जाने तक बहुत अच्छे से भून लें। इसके लिए हमें 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। चार से पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मैंने इसे बहुत अच्छे से भूना है और इसमें बहुत सारा पानी भी निकला है। चलिए अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला पेस्ट डाल देते हैं, इसे डाल के फिर से हमें बहुत अच्छे से भूनना है। फिर से इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए भून लें। गोश्त को मैंने इन मसालों के साथ बहुत अच्छे से भूना है। नेक्स्ट हम इसमें पानी डाल देते हैं, आधा ग्लास या 3/4 ग्लास डालिए, मिक्स कर दें। जब ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पे रख दें। अब लो फ्लेम पे गोश्त कम्प्लीटली गलने तक हमें इसे ही पकाते जाएंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सीटी आने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें, 15 मिनट के लिए गोश्त गल जाएगा। लेकिन पैन में गोश्त गलने बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, बेहतर है अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो। मैं आपको वीडियो क्लियर से दिखे इसीलिए पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन प्रेशर कुकर ही बेहतर है इस रेसिपी के लिए। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और मजेदार मटन मसाला तो हमारा रेडी है। फ्लेम बंद कर दें, थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दें,